गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा का मुद्दा बड़ा होता है। मध्य प्रदेश में शासन ने ऐसे मामलों पर बेहद संजीदगी दिखाई है। सूबे में बाल श्रवण योजना और बाल हृदय योजना गंभीर बीमारी से जूझ रहे कई बच्चों के लिए वरदान साबित हुई है। आपको दिखाते हैं आदिवासी बहुल इलाके झाबुआ की दो तस्वीरें, जहां ये दोनों योजनाएं कई परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लेकर आई है। पिता की गोद में बैठा एक किताब की रंग बिरंगी तस्वीरों को देख उन्हें एक एक कर पहचानता और उसे बताता, ये है नन्हा आदर्श। एकदम सामान्य बच्चों की तरह बोलता और सुनता, वैसे ही तेज, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले आदर्श न सुन सकता था न ही बोल सकता था, लेकिन एक छोटे से ऑपरेशन के बाद आदर्श की जिंदगी में कमाल का बदलाव आ गया। पहले तो सर बच्चा सुनने में भी नहीं था, बोलने में भी नहीं था, लेकिन ऑपरेशन के बाद काफी अच्छा सुनने लगा है, बोलने भी लगा है, और अभी जो वहाँ हम थेरेपी के लिए ले जाते हैं तो काफी जो शब्द बताते हैं उनका हम घर लाके रिवीजन करवाते हैं और बहुत से शब्द बोलने लगा है, सुनने भी बढ़िया लगा है। 8 साल का आदर्श जन्म के समय से ही सुन और बोल पाने में अक्षम था। परिवार परेशान था कि नन्हे आदर्श की आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। डॉक्टरों को दिखाया गया तो पता चला कि आदर्श ठीक तो हो सकता है, लेकिन इसमें करीब 7 लाख रुपए का खर्च आएगा। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि इतना खर्चा कर सके। तभी आदर्श के लिए वरदान बनकर सामने आई मध्य प्रदेश शासन की बाल श्रवण योजना। वो क्या हुआ कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और निजी हॉस्पिटल में पैसे कम से कम 8-10 लाख रुपए बताए, तो उस हिसाब से हम कर नहीं पाए। तो फिर सरकार की योजना के हिसाब से हमारा क्या बोले मालूम पड़ी, तो फिर हम आंगनवाड़ी केंद्र में डॉक्टर साहब से बात करी हमने, तो उन्होंने पूरा हमको एक फाइल बना के दी कि आप वहाँ जाओ सिविल में और वहाँ से आपका क्या बोले ये बाल श्रवण में जाएंगे और वहाँ आपका काम हो जाएगा। जनवरी 2017 में इंदौर के अस्पताल में जांच हुई और 6 माह बाद आदर्श का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में 6 लाख का खर्च आया, जिसे मध्य प्रदेश सरकार की योजना के तहत दिया गया। आज आदर्श को बोलते सुनते देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। अभी हमारे कंपनी में 5.5 लाख रुपए, करीब 6 लाख का अंदाज हुआ था इतना, पर 5.5 तो बराबर हुए। उसके बाद में हमारा कोई भी खर्च नहीं हुआ और जाने आने की थेरेपी भी जाते तो भी हमें कुछ पैसा नहीं लगा। सरकार को हम बिल्कुल हार्दिक बधाई देते हैं, जो हमारे बच्चे की जिंदगी बनी और आज वो बड़ा खुश है और हम भी बड़े खुश हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। आदर्श बोल रहा है तुमको अच्छा लगा और इसका ऑपरेशन हमको बड़ी खुशी, परिवार वालों को ये सब की बातें सिखाते, सब बोलता मम्मी पापा दादी दादाजी भैया सब बोलता। मध्य प्रदेश शासन की बाल श्रवण और बाल हृदय योजना ने कई नौनिहालों की जिंदगी में उजाले भरे हैं। ऐसी ही एक कहानी है कमल की। कमल के माँ और पिता पर दुखों का पहाड़ उस वक्त टूट पड़ा जब पता चला कि कमल को दिल की बीमारी है। पहले ये पढ़ने जा रहा था, इंदौर में पढ़ रहा था, तो उसको क्या दौड़ने में कूदने में उसको दिक्कत आ रही थी सांस में। पेशे से ड्राइवर अमर सिंह मोरी के आर्थिक हालात उनके बेटे कमल की जिंदगी पर मनराते संकट को दूर कर पाने में एक बड़ी अड़चन थे। तभी एक परिचित के जरिए उन्हें मध्य प्रदेश शासन की बाल हृदय योजना के बारे में जानकारी मिली। जिला अस्पताल में गए और वहाँ पे बताया कि बाल हृदय योजना में कोई फ्री पैसे में काम हो जाए, यू करके डॉक्टर ने बताया। फिर कितने दिनों हमको 3-4 दिन में वो फॉर्म भर के सेक्शन हो गया, वो तो मुख्यमंत्री योजना में से पैसे मिल गए। कहाँ इलाज हुआ? इंदौर में ग्रेटर कैलाश में हुआ इलाज। कुछ पैसा लगा? 1.5 लाख रुपए उन्होंने सरकार ने दिए, हमको कोई पैसा नहीं लगा। कमल के पिता ने फौरन आवेदन किया। 1 हफ्ते के भीतर उनके बेटे का प्रकरण स्वीकृत हो गया। कमल के दिल का ऑपरेशन हुआ और आज कमल बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त है। मैं चलता फिरता या दौड़ता था तो सांस फूल जाती थी। अब मेरा ऑपरेशन हो गया है तो अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, घर का काम कर सकता हूँ, खेल कूद सकता हूँ, पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तस्वीरें बता रही हैं कि आदिवासी जिलों में रहने वाले बच्चों के लिए बाल श्रवण और बाल हृदय योजना वरदान साबित हो रही है। अभी तक के जो पिछले साल 53 में से एक भी बच्चा
इस टाइप का नहीं है जिसको अपन सफल नहीं ऐसा नहीं मान सकते, सभी सफल हो गए। पिछले वित्तीय वर्ष में 53 बच्चों पर ऑपरेशन किया और पूरा इलाज हो चुका है। झाबुआ जिले में इन दोनों ही योजनाओं के तहत पिछले साल करीब 53 बच्चों का इलाज हुआ है, जिसमें करीब 20 लाख से ज्यादा की राशि अस्पतालों को भुगतान की गई है। अच्छी बात यह है कि इन योजनाओं का लाभ लेने वाले सभी बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।